हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं सूजी के हलवा। तो हम यहाँ पर गैस ऑन करके कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे और कढ़ाई गर्म हो गया है। तो इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई गर्म होने के बाद हम घी डाल दिए थे, क्योंकि ये गांव वाला घी है, गांव गए थे तो लाए थे, तो इसीलिए थोड़ा दूसरे लग रहा है। और इसमें हम जीरा डाल देंगे। अगर आप ना डालना चाहते हैं जीरा तो ऐसे ही बना सकते हैं, पर हम जीरा डाल रहे हैं। इसे हम थोड़ा चटकने देंगे। और यहाँ पर हम ये सूजी लिए हैं और इसमें हम सूजी डाल देंगे। 1 कप निकाले थे बड़ा कप से और ये कटोरी में डाल दिए थे। और इसे हम इस तरीके से मिक्स कर दिए हैं। एक हाथ से मोबाइल पकड़े हुए, एक हाथ से बना रहे, इसलिए थोड़ा हिल डुल रहा है फोन। और गैस की हम मीडियम रखेंगे, अच्छे से थोड़ा लाल होके भून भून जाए। और इधर देखिए, इस तरीके से चलाते हुए मिक्स करेंगे और गैस के मीडियम ही रखेंगे। और इसे हम चलाते हुए भूनेंगे। एक हाथ से मोबाइल पकड़े हुए हैं, इसीलिए थोड़ा मोबाइल इधर उधर हो रहा है, थोड़ा हिल रहा है फोन। और एक हाथ से वीडियो बना रहे हैं, एक हाथ से सूजी को चला ही रहे हैं। और इसे हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे जिसे गले ना। और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कच्चापन दूर ना हो जाए। तो यहाँ देखिए, सूजी अच्छे से भून गया है। और इसमें हम चीनी डाल देंगे। यहाँ पर आधा कप चीनी डाल रहे हैं, आपको जितना मीठा पसंद है उतना डाल सकते हैं। इसे भी हम चलाते हुए मिक्स कर देंगे। और हम यहाँ पर 1 गिलास पानी लिए थे, उसे हम डाल देंगे इसमें। मिक्स कर दीजिए। और यहाँ पर हम इलायची लिए हैं 2 गो, इसे हम तोड़ कर रख देंगे। इसे हम इस तरह से चलाते रहेंगे जिससे नीचे से सटे ना या जले ना। और ऊपर से डालेंगे हम किशमिश और यहाँ पर हम नारियल काट कर रखे थे वो डाल देंगे। और इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। और गैस के हम मीडियम भी रखेंगे। तो देखिए, हलवा बनकर रेडी है। और हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसे हम ठंडा होने देंगे। और जब ये कढ़ाई ठंडा हो जाएगा
सर्व करने के लिए हलवा को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सूजी का हलवा बनकर रेडी है और सर्व करने के लिए भी निकाल दिए हैं एक कटोरी में। कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और अगर हलवा रेसिपी अच्छा लगा आप लोगों को तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।